हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, शायद भगवान ने यही चाहा होगा और इसको चैप्टर को यहीं ख़त्म कर दो। तो रोई इस बात को मान लेती है, रोई कहती है बट मैं उसको ज़िंदगी भर भुला नहीं सकती हूँ, पूरी ज़िंदगी मैं उसको याद करती रहूँगी, एक पल के लिए भी मैं उसे भूल नहीं पाऊँगी। तो कहते हैं मत भूलो ना, किसने कहा कि तुम उसे भूलो, वैसे भी पहला प्यार कोई नहीं भूल पाता, तो तुम कहाँ से भूल पाओगे। बट फैक्ट ये है कि अब इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। रूही भी जो है परेशान तो बहुत होती है, बट फिर वो समझ लेती है कि शायद हम दोनों का मिलना नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और यही सोच के फिर वो भी उस बात को वहीं ख़त्म करती है और उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इधर युविका जो कि दूसरी कंट्री में है, जिसके यहाँ रात हुई पड़ी है और वो बाहर क्लब में पड़ी हुई थी पी के, तो उसको ढूंढते ढूंढते साक्षी परेशान हो जाती है। उसको कॉल कर रही होती है बट वो अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, तो साक्षी और ज़्यादा परेशान होती है। कहती है यार ये लड़की कहाँ गई है, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, इसके भाई को बता दूँ क्या, परेशान हो गई हूँ मैं यार इस लड़की से, ये एक बार भी नहीं सोचती है कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूँढूँ मैं इसको, क्या करूँ मैं। खैर वो कॉल करती रहती है लेकिन नहीं होता, तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि यार ज़रा पता लगाना ये लड़की कहाँ पे है, मैं नंबर भेज रही हूँ। तो उसको नंबर भेजती है, तो उसका फ्रेंड थोड़ी देर में कॉल करता है और कहता है कि यहाँ इस लोकेशन पे है, तो उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है, कहती है ठीक है थैंक यू सो मच, और फिर वो तुरंत वहाँ से उस लोकेशन पर निकलती है। देखती है कि वहाँ क्लब होता है, कहती है पता था मुझे यहीं कहीं होगी, फिर से पी रखी होगी यार। और अंदर जाती है, इधर उधर युविका को ढूंढती है, उसे युविका नज़र आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से उठाती है। तो युविका उसकी तरफ देखती है, कहते तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम, कहते तुम्हें लेने आई हूँ और यहाँ क्या करूँगी मैं, कहते मुझे लेने आई हूँ, आई हो मुझे लेने मत आओ तुम, जाओ यहाँ से। तो कहती है शट अप, हाँ घर चलो चुपचाप, ये घर नहीं है तुम्हारा। कहते हैं मेरा कोई घर है ही नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, हम अनजाने हैं इस शहर में, ये घर मेरा नहीं है। तो वो जो है उसका हाथ पकड़ती है, कहते चुपचाप चलो, तो वो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे नहीं जाना कहीं, बोलो ना कहीं नहीं जाना, तो मेरे को कहीं नहीं जाना। आप सब वहाँ उसे देख रहे होते हैं, तो साक्षी उसका चुप, साक्षी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो करती भी तो क्या ही करती, वो बस उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को कॉल करने जा रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं चली तो बहुत तमाशा हो चुका है और बहुत मैंने तुम्हारी ये चीज़ छुपा ली उससे, अब और नहीं। तो जैसे वो भाई का नाम सुनते हैं वो कहते नो 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 भाई, मैं चल रही हूँ। तो वो जाने के लिए तैयार होती है और उसका हाथ पकड़ती है साक्षी, उसको बाहर लेके आती है, वहाँ से कैब बुक करती है दोबारा और फिर उसे घर लेके आती है। जैसे वो घर लेके आती है तो युविका रूम में जाती है, तो उसका हाथ पकड़ लेती है साक्षी और उसको वहीं काउच पर बैठाती है और कहती है यहाँ बैठो पहले। कहते हैं मेरे को नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना मेरे को, मुझे जाने दो, ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है, तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, वो गिरने लगती है। साक्षी उसे आगे बढ़ के संभालती है और कहती है क्या कर रखा है ये तुमने अपने साथ, पागल हो गई हो क्या, क्यों किए जा रही हो, क्या दिल टूटा है तुम्हारा, कुछ और थोड़ी ना हुआ है,
दुनिया में ना हर रोज लाखों इंसानों का दिल हर पल हर मिनट में टूटता है, तो सब क्या यही करने लगते हैं? क्यों कर रहे हो अपने आप को इतना बर्बाद? कहते हैं मैं कर रही हूँ ना, तुमको क्या? हाँ तुम्हें परेशान कर रही हूँ, छोड़ देते हो, मैं फिर यहाँ से चले जाती हूँ, कहीं और रह लूँगी मैं। ये कह के फिर से जाने लगती है, फिर से लड़खड़ाती है। तो साक्षी कहती है कि पहले खुद को संभाल लो, फिर कहीं और चली जाना, कहीं और जाएंगी ये। क्यों कर रही हो यार ये सब? तुम्हारा तो यूवी का बड़े ध्यान से साक्षी की तरफ देखती है और कहती है क्या ना, तुम देखते हो ना किसी की याद आती है, और बहुत आती है, दिल तड़प जाता है मेरा, बहुत तड़प होती है तुम्हें देख के। कहती है मुझे देख के तुम्हें किसकी याद आती है? तो वो नशे में होती है और आज तक उसने साक्षी को कुछ बताया नहीं होता अपने बारे में, बस जो भी पता होता है साक्षी को वो उसके भाई के थ्रू ही पता होता है, तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो कहती किसकी, मुझे देख के तुम्हें किसकी याद आती है? कहती है उस शख्स की जिसकी वजह से आज मैं बहुत तड़प रही हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है आज भी, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आई थी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं वहीं अटक गई हूँ यार साक्षी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो कहती है कि कौन था वो? कहती है जब जब तुम्हें देखती हो ना मेरी यादें और ताज़ा हो जाती हैं, जैसे तुम बार बार मेरी केयर करने की कोशिश करते हो ना, ऐसे ही वो करते थे। कहती करती थी? कहते हाँ। तो साक्षी के दिल में एक अजीब सी तड़प उठती है और खुद को रोकती है और कहती है कि क्या हा? तो कहती है कौन लड़की थी कि हाँ मैंने उसको बहुत प्यार किया, बहुत, और उसने तो साक्षी कहती है कि क्या उसने किसी और से किया? कहते नहीं, किसी और से करती तसल्ली होती, उसने तो मुझसे प्यार अपना बदला लेने के लिए किया था, बदला लेने के लिए, बदला क्या कहते हैं, बदला लेने के लिए। और मैं बेवकूफ लड़की समझ बैठी कि उसको मुझसे प्यार है। उसके पीछे पीछे पागलों की तरह वहाँ घूमती रही और बाद में पता चला कि उसको तो मुझसे प्यार ही नहीं था, बिल्कुल प्यार नहीं था उसको मुझसे। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, बहुत परेशानी हुई, लेकिन क्या कर सकती थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत तरही कहते तो तुमने उसको समझाने की, दोबारा पाने की मिन्नतें कोशिशें नहीं की? कहते हैं बहुत की ना, हाथ जोड़ा, पैर पकड़े, रोई तड़पी, गुस्से में गला भी पकड़ा, उन्होंने समझी, उसने तो जैसे ठान रखा था कि मुझे हर हाल में बस बर्बाद करेगी, जो कि शायद वो कामयाब हो गई है। मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, बट हो गई यार, हो गई, बिल्कुल हो गई है। मैं ना
बहुत परेशान हो गई। वैसे नहीं हो रहा, मैं आज भी उसको भूल नहीं पा रही हूँ। बहुत तड़पती हूँ उसके लिए, ऐसा लगता है कहीं से आ जाए और मुझे गले लगा ले। बस कहीं से आ जाए, वो आ जाए बस कहीं से। तो ऐसे बोलती है और रोने लगती है। साक्षी आगे बढ़ती है और उसको हक करती है, कहती है काम डाउन, ठीक है काम रहो। वो चली गई है और तुम उसको भूलने आई हो तो उसको प्रॉपर भूल जाओ ना। क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हो? अगर वो तुम्हारी होती तो तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। तुम उसको ढूंढ लेती, वो तुम्हें ढूंढ लेती, या वो तुम्हें उस समय रोक लेती, या तुम्हारे मानने से वो मान जाती। आगे मूव ऑन करो, और ये पी पी के मूव ऑन नहीं होगा। अपने लाइफ पे फोकस करो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करो। किसी ऐसे का हाथ थामो जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभा सके। पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रख सके। कहते हैं कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार, सब बकवास होता है, समझे? सब बकवास होता है। ज़िंदगी में ना साक्षी कुछ भी करना, कभी किसी से प्यार मत करना, किसी से भी नहीं। बहुत तड़प होती है, बहुत ज़्यादा दिल छलनी हो जाता है, खून भी नहीं निकलता, दर्द भी बहुत होता है। जल्दी किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, बस तड़पते रह जाते हैं यार। तो बहुत तड़पते हैं। साक्षी उसे और टाइटली हक करती है और युविका को पता नहीं एक सेकंड के लिए क्या होता है। वो साक्षी की बाहों के घेरे में खुद को ढीला छोड़ने लगती है और उसे भी बैक हक करने लगती है। हक करते करते वो साक्षी के थोड़ा करीब जाने लगती है, उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख के किस करने लगती है। साक्षी भी उसे अंदर ही अंदर लाइक तो करती है, तो दो मिनट के लिए वो भी बहक जाती है और उसे भी कोई होश नहीं रहता। युविका उसे किस करते करते हल्का सा नीचे आने लगती है उसके नेक की तरफ, तो साक्षी एकदम से पीछे हो जाती है, कहती है युविका तुम अभी होश में नहीं हो, चलो सो जाओ। तो कहती है कि नहीं ना, सुनो रवि, सुनो ना। तो ऐसे कहती है तो युविका का दिल है, उसकी आँख से एक आंसू आता है और खुद को संभालती है साक्षी, और वो युविका को पकड़ती है और कहती है कि मैं रुई नहीं हूँ, मैं युविका हूँ, सॉरी मैं साक्षी हूँ। युविका कहते हैं नहीं रुई हो तो मैंने ड्रिंक किया इसलिए कह रही हूँ ना। तो कहते हैं लग रहा है ज़्यादा ही चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, इसको किसी तरह सलाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या कर जाएगी। कहते हैं मैं साक्षी हूँ युविका, रूही नहीं हूँ, उठो तो। तो उसे वहाँ से उठाती है और उसे उसके रूम में लेके जाती है।
उसको सुला के आती है। तो जैसे वहाँ से आने लगती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, युविका कहते हैं रुक जाओ ना, ज़रूरत है मुझे किसी की बहुत ज़्यादा, आप रुक जाओ ना प्लीज़। उसकी वो हालत देख के और अंदर ही अंदर उसे वो पसंद करती है, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और युविका उसको अपने पास ही बैठाती है, कहते हैं मुझे सुला दो प्लीज़, सुला दो ना मेरे को, मुझे सोना है, कई रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ, बहुत दर्द होता है, सोने के लिए दिल मचलता है, आँखों की नींदें उड़ जाती है, दिल का सुकून छिन जाता है, प्लीज़ सुला दो। साक्षी की भी आंखें भर जाती हैं और वो युविका का सर अपनी गोद में रखती है और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है, कहती है मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम सो जाओ आराम करो। और उससे थोड़ी थोड़ी बातें करते करते फाइनली जिस दिन से उसका दिल टूटा था, आज पहली बार युविका सोई होती है और बहुत सुकून से सो रही होती है। उसकी तरफ जब साक्षी देखती है तो कहती है हाय मैं ऐसी नहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसे खुद लड़कियों में इंटरेस्ट है, यही रीज़न था मेरा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने का। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे इतने मासूम दिल को कोई इस तरह बेरहमी से कैसे कुचल सकता है, समझ नहीं आ रहा। दुनिया की लड़कियों को आजकल क्या हो चुका है, क्यों इस तरह से तबाह कर देती हैं किसी को। खैर जो भी किया उसने किया, आज से युविका को मैं संभालूंगी, भले इसके प्यार के बदले प्यार ना मिले, मतलब सॉरी मेरे लाइकिंग के बदले इसकी लाइकिंग ना मिले, मेरे प्यार के बदले इसका प्यार ना मिले, लेकिन आज से मैं इसको अच्छे से संभालूंगी और इस सिचुएशन से निकालूंगी। बहुत हो गया अब और नहीं, सच में बहुत हो चुका है, पूरी तरह खुद को बर्बाद करने में लगी हुई है यार, एक लड़की की वजह से जो शायद ने डिजर्व ही नहीं करती थी, तभी गॉड ने इसकी ज़िंदगी से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और यहाँ लाके मेरे लिए खड़ा कर दिया। इसको गॉड का संकेत मान के अपनाती हूँ और ये कह के वो खुद भी वहीं सो जाती है, खुद से बातें करते करते धीरे धीरे वहीं युविका के पास ही लेट जाती है। अगला दिन मॉर्निंग होती है और जो है युविका की आँख खुलती है, उसकी आँख खुलती है और वो देखते हैं कि साक्षी उसके साइड में लेटी हुई होती है, तो घबरा के एकदम पैनिक होकर उठ जाती है और वो तुरंत उसको आवाज़ लगाती है साक्षी को, साक्षी साक्षी उठो। तो साक्षी भी एकदम से उठती है, कहती है कि हाँ युवि, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो, तुम्हारा बेडरूम अलग है ना, यहाँ क्या कर रही हो तुम। तो कहती है तो रात को तुमने ही मुझे रोका था, कहती है मैं तुम्हें रोकूंगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आई नो यू लाइक मी बट इस तरह झूठ तो ना बोलो। कहती है ओह सो यू नो दैट आई लाइक यू, कहते हैं फालतू की बकवास बंद करो, मेरे रूम में तुम क्या कर रही थी मुझे ये बता दो बस,
कहती है लिसन, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं था। कहती तो क्या था, क्यों थी, किस लिए थी यहाँ पे तुम, क्या चाहिए था तुम्हें? हाँ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए था, तुम होश में नहीं थी, कहते इसलिए तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया। कहते शट अप हाँ फालतू की बकवास ना मेरे से मत करना, जिससे करनी है करो जाके। फ़ायदा उठा लिया, फ़ायदा उठाना होता ना फ़ायदा उठा के अपने रूम में चली जाती, फ़ायदा तो तुमने मेरा उठाया। कहती क्या मतलब, सॉरी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। कहती है कुछ नहीं छोड़ो जाने दो मुझे। तो युविका जो है साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है अपनी तरफ, कहती है बात बता के जाओ साफ साफ, क्या फ़ायदा उठाया मैंने तुम्हारा, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। हाँ कहती है कुछ नहीं किया यार छोड़ो मेरा हाथ। कहती है साक्षी देखो मुझे परेशान करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, जो है उसे अभी के अभी क्लियरली बोल दो, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। हाँ तो कहती है कि कुछ नहीं किया है युवी। कहती है शट अप हाँ युविका, युविका नाम है मेरा, युविका बोला करो मुझे। तो कहती है कि तुम्हें जब इतनी दिक्कत है तो मुझे यहाँ रोक क्यों रखा है, जाने दो मुझे। तो कहती है कि मुझे बता दो और जाओ। कहती कुछ नहीं किया, मैं ऐसे गुस्से में बोल रही थी। कहती है नहीं ऐसे गुस्से में तुम क्यों बोलोगी। कहती है तो तुम क्या सुनना चाहती हो, क्या किया तुमने मेरे साथ। कहती है वो तो तुम बताओगी ना, मुझे क्या पता, मुझे याद ही नहीं है कल रात क्या हुआ कैसे हुआ। कहती है हाँ तो याद कहाँ से रहेगा, जब इतनी ड्रिंक करोगी तो कहाँ से कुछ याद रहेगा तुम्हें। हाँ कहती है हो प्लीज़ हाँ मुझे ज्ञान मत दो। तो कहती है मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ युविका, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मेरी बात आज से ना ध्यान से सुन लो तुम। कहती है क्या, यही कि आज के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगी बस। कहते अच्छा और किया तो क्या कर लोगी तुम। कहते करके तो दिखाओ तुम, तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। कहते जस्ट शट अप यार, कौन होती कौन हो तुम मुझे सुधारने वाली, और अपना यह रवैया ना मेरे साथ मत दिखाना, बिल्कुल मत दिखाना। आई हेट इट समझ में आ गया तुमको, दूर रहो मेरे से, मेरे पास आओगी ना बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाओगी, तो जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो, एकदम दूर रहा करो मुझसे, एकदम दूर। इस बात को ध्यान रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो बस, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगी कुछ भी। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच बातचीत भी बंद। तो कहती है क्या, क्यों, किस लिए। तो युविका कहती है बस ये मुझे सुधारने का ठेका बिल्कुल मत ले लेना, मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो। कहती है ठीक है तुम पियो, मैं तुम्हारे घर फोन करूँगी। तो युविका चुप हो जाती है, कहती है साक्षी दिस इज़ अ ब्लैकमेलिंग। कहती है हाँ ब्लैकमेलिंग ही सही। कहते क्यों मेरे पीछे पड़ी हो यार, तुम कहीं और जाके कुछ करो ना, मेरा पीछा छोड़ो। तो कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं पड़ी हूँ, ठीक है आई लाइक यू, मेरा हाथ थामो। तो कहते ओ प्लीज़ हाँ कुछ नहीं होता ये सब ड्रामा, अब तुम भी उसी की तरह। फिर वो चुप हो जाती है युविका यही कह के। तो कहती किसकी तरह, क्या हाँ बताओ। कहते कुछ नहीं छोड़ो मेरा रास्ता। कहती ऑलरेडी तुम मुझे नशे में सब कुछ बता चुकी हो, ठीक है और मुझे वो समझ भी चुकी हो,
तो शिविका थोड़ी शॉक्ड हो जाती है ये सुन के। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।